होटल्स, बैंक, यानी फ्रेश चिकन इनकी लोकल मार्केट में, लग्जरी सैलून से बाल कटते हैं भाई, लोकेशन पे सर्च करते हैं मिल जाता है भाई। यहाँ पर तो कुछ ऑफर लगा है, ऑयल वॉश, लैपटॉप सर्विस 150 सीसी में भाई। के बारे में बहुत सारे टेक टाइप वो भी वो सब बाहर चपाती टाइप के शॉप होती है। तुर्की देखिए हंक है, फल सारे देखिए 150 सीसी से छीलते हैं, देखिए तेलुगु में भी कुछ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो मैं कतर की अलसद सिटी में हूँ और यहाँ पर मैं पैदल ही घूमने वाला हूँ, इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट किस टाइप के हैं, बार शॉप और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम। तो वीडियो में बने रहिए, करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आगे की तरफ। किस टाइप का एरिया है ये, कैसा एरिया है और कैसी शॉप है यहाँ पर, ये देखिए मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सीमा हैदराबादी रेस्टोरेंट। ये हैदराबादी रेस्टोरेंट है, ये देखिए तेलुगु में भी कुछ लिखा है। तो इसके अंदर हैदराबादी फूड मिलेगा सब जितना भी है। मरमारा इस्तानबुल रेस्टोरेंट, तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से, तुर्की रेस्टोरेंट है ये। तो ये देखिए इसके अंदर ये शोरमा बनाते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगी है शोरमे का रोल, ये ऐसे घूमता है चारों तरफ और इसके पीछे हीटर लगा होता है, वो देखिए हीटर लगा है और इसको छीलते हैं। मशीन होती है ये, रखी है मशीन, इससे इस टाइप से छीलते हैं। देखिए वो छील रहे हैं, बना रहे हैं, वो देखिए आपको दिख रहा होगा चिकन को मतलब छीलते हैं इस टाइप से। और उसके बाद रोटी में सॉल्स लगा के और केचप चीज़ ये सब चीज़ें लगा के शोरमा बनाते हैं। रेस्टोरेंट का मेन डोर है, वेलकम लिखा है और पीछे की तरफ शीशे में से ही दिख गया ये ऑर्डर रखे हैं लोगों के, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बनाते हुए भाई शोरमा। फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चैन तालाबाद की है भाई, सबसे ज़्यादा फूड डिलीवरी करने वाली जो ऐप है वो तालाबाद है। उस इसके साथ और भी ऐप हैं लेकिन तालाबाद सबसे ज़्यादा फास्ट और प्लस इनकी चेन भी बहुत लंबी है, यानी इस कंपनी में बहुत लोग हैं फूड डिलीवर करने के लिए। ये देखिए फूड डिलीवर करने के लिए इन लोगों के पास बाइकें होती हैं। ये देखिए हंक है हीरो वालों की और ये 150 सीसी में पल्सर है बजाज वालों की, देखिए जो फूड डिलीवरी के लिए काम आती है। और ये भी पल्सर है देखिए 150 सीसी में, इस पर भी लगा है हेलमेट फूड डिलीवर वाले बंदे का। और ये कौन सी बाइक है भाई, कंपनी यू डोंट नो कंपनी, कहाँ का वो है ये बाइक, बनेली क्लिक्सर, हाँ क्लिक्सर वालों की भाई है, क्लिक्सर वालों की। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ब्रांड्स हैं। देखिए जैसे ये रहा फ्रेश ग्रीन और लोमी हाउस चॉइस रेस्टोरेंट, और यहाँ पर देखिए आप ये रहा चुतूरा तुर्किस फिलिपिनो लेबनान्स, ये देखिए इस टाइप का फूड, इसके अंदर भी इस टाइप के फूड होता है ज़्यादा, जैसा आपको दिख रहा होगा शोरमा बन रहा है सामने और वैसा भी फूड होता है, फिलिपिनी फूड भी होता है। ये देखिए ये बार की शॉप है, वो तुर्किस बार, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस टाइप की शॉप होती है। ये देखिए इस टाइप की शॉप होती है, ये देखिए ओपन नाउ तुर्किश बार्बर शॉप। देखिए अंदर बाल भी काटते हुए भाई, जैसे आप देख सकते हैं एक शॉप ये रही देखिए बर्बर की, फर्स्ट अल नसर नाम है इसका। एक ये रहा अल अंतर सैलून, तो देखिए इस टाइप की शॉप होती है, ये तुर्की शॉप है लोहा के अंदर कतर के अंदर। ये भी देखिए तुर्की वालों की शॉप है भाई, यहाँ पर भाई हर कंट्री के लोगों का तुमको मिलेगा ब्रांड, जो भी जिसका ब्रांड है। तुर्की के सैलून अच्छे होते हैं। देखिए कीमा चपाती रेस्टोरेंट कैफेटेरिया, तो नाम से आपको लग रहा होगा स्पाइसी फूड होगा इसके अंदर। और ये सब इंडिया वालों की ब्रांच होती है केरला इंडिया। ये देखिए कपड़े की शॉप, फ़ोन की शॉप देखिए कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पर आपको जितने रेस्टोरेंट सैलून या शॉप या जितनी भी दुकानें मिलेंगी ना, वो सब बाहर के लोग ही करते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो लोकल होते हैं ना, वो सब स्पॉन्सर होते हैं शॉप के, बाकी काम करने वाले भी और जिसके अंडर में शॉप होती है वो भी, वो सब बाहर के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे की तरफ दिखाया रेस्टोरेंट तुर्की के सैलून और बहुत सारे रेस्टोरेंट, तो उनके सबके जो स्पॉन्सर होता है वो कतरी होता है, बाकी की जो देख रेख वो सब जो चीज़ें हैं वो उसकी होती हैं, जो उसका मतलब जो उसको खोलता है ओपन करता है रेस्टोरेंट को। एक रेस्टोरेंट और आया मेरे सामने आयुष अल बुलबुल, ये देखिए ये भी शोरमे का रेस्टोरेंट है, शोरमा और जो अरबी फूड होता है यानी अरबी कंट्रियों में जो यूज़ होता है उस फूड को रेडी किया जाता है। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये शोरमे के वो लगे हैं ओपीटेक टाइपिंग क्लीन एयरस ट्रांसेक्शन, ये देखिए भाई इस टाइप की होती है दुकान, जैसे अपने यहाँ जनसेवा केंद्र होते हैं ना, तो इस टाइप की यहाँ पर ये दुकानें होती हैं।
वो सिटी मोबाइल, वो फ़ोन की दुकान है सिटी मोबाइल, और उसके आगे फिर बार्बर की दुकान है। और ये लोकल रोड चल रहा है भाई, और अल शारजा जैन सैलून और यूरोप ट्रेवल्स। पल्सर 150 cc में भाई, ये कतर में मिलती है 8,500 रियाल की, यानी इंडियन 170,000 रुपये। मैंने इनसे भाई से पूछा भी कि भाई इतनी महंगी क्यों है, तो ये हमारे भाई हैं, ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये टिकटॉक पे, तो इनको मैंने देखा तो इनसे मैंने बात भी की भाई से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सजीबुल टेक्टियर, टिकटॉक में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, तो भाई ये तालाबाद के बारे में बहुत सारे दोस्तों की हेल्प करते हैं, यहाँ पर बताते हैं जो तालाबाद में चेंज लेना चाहते हैं या तालाबाद की जॉब करना चाहते हैं या बाइक लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ें उसमें ही काम करते हैं भाई। तो मैं इनसे मिला, मुझको अच्छा लगा इनसे मिल के भाई से। और आप ये भाई के भाई जान? हाँ, तो इन्होंने मुझको बाइक के बारे में बताया, तो मैं अभी इनसे और जानकारी लूँगा, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगा आपके लिए तालाबाद के ऊपर या फिर यहाँ पर जो बाइक सेलिंग है वो सब बातों के ऊपर। तो मैं एक गली के अंदर घुसा, ये प्लाजा टाइप में है गली, जैसे प्लाजा होते हैं, तो उसके अंदर सब मोबाइल की शॉप है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मोबाइल की शॉप, और राइट में भी देखिए मोबाइल की शॉप, ये देखिए मिस्टर फ़ोन, तो फ़ोन की शॉप इस टाइप से होती है यहाँ पर। ये देखिए सब कुछ अवेलेबल है अंदर, आपको दिख रहा होगा जो फ़ोन के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी, ऑल टाइप मोबाइल वॉच लैपटॉप सर्विस अवेलेबल है यार, सब कुछ अवेलेबल है यार। ये देखिए फ़ोन के साथ में ही परफ्यूम की शॉप टच कर रखी है, ये देखिए परफ्यूम भी आपको मिल जाएगा भाई। यहाँ पर तो मुझको सबसे ज़्यादा फूड ही नज़र आ रहा है, रेस्टोरेंट ही नज़र आ रहा है, और एक से एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है भाई। मैंने अभी तक तो कुछ रेस्टोरेंट ऐसे देखे जिनका मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है, जैसे कि यही वाला है, इस पर कुछ ऑफर लगा है, चिकन इंसॉल वैलिड डिलीवरी इन द टैक ओनली प्रॉमिस एंड द जून वारा, तो कुछ ऑफर लगा है भाई, मैं तो समझ नहीं पाया। ये देखिए इस टाइप का रेस्टोरेंट, और ये इसका बैठ कर खाने के एरिया है, ये देखिए सिटिंग एरिया है इसका, और ये भी रेस्टोरेंट है बिलादी चाय है भाई। यहाँ की लोकल मार्केट और लोकल एरिया कुछ इस टाइप के होते हैं, मुझे कुछ दोस्तों ने बोला था कि भाई वहाँ पर लोकल मार्केट जो होती है, लोकल एरिया जो होता है वो किस टाइप का होता है, कैसी शॉप होती हैं, कैसी दुकानें होती हैं, तो वही सब मैं अभी घूम रहा हूँ, उस साइड से आ रहा हूँ घूमता हुआ, और अभी आगे तक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप की और शॉप होती हैं और बहुत सारी चीज़ों की। मैंने आपको इतने सारे रेस्टोरेंट दिखाए लेकिन ये नहीं बताया कि फ़ूड कितना महंगा है। तो भाई यहाँ पर जो बर्गर का बर्गर और सैंडविच और शोरमे का जो कॉस्ट होती है, यानी कीमत होती है, वो भाई आप 10 रियाल 12 रियाल या 11 रियाल या 13 रियाल इतने तक में मिल जाता है। यानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करते हैं तो 20 रियाल से 25 रियाल के बीच में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, यानी 20 रियाल से 25 रियाल के बीच में आपको फूड प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी इतना रेट होता है। आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं, हर चीज़ का प्राइस अलग होता है, जो अच्छा होता है ज़्यादा आइटम उसका प्राइस होता है 22 रियाल 23 रियाल 21 रियाल 19 रियाल 18 रियाल, और शोरमे का जो प्राइस है वो 10 रियाल है, और जो एक बड़ा शोरमा होता है उसका प्राइस 16 रियाल है, तो इस टाइप से है। ये देखिए फ़ोन की शॉप मैंने आपको कितनी सारी दिखाई, ये मोबाइल रिपेयर के लिए भी सब इस टाइप से होती हैं, लोग इस टाइप से सेलिंग करते हैं, बैठते हैं शॉप पर। ये देखिए इस टाइप की शॉप, ये देखिए यहाँ पर सब फ़ोन की शॉप है और सब इसी टाइप से हैं, एक ही तरीके से। तो देखिए अगर आपको रेंट पे कार चाहिए तो भाई रेंट पे कार लेने के लिए इस टाइप के ऑफिस होते हैं सब जगह, आप लोकेशन पे सर्च करते हैं अलमाहा रेंट कार, यानी आप इनके ऑफिस में जाके इनसे बातचीत करें, और जिस टाइप की कार आपको चाहिए, जैसी आपकी कॉस्ट हो उस टाइप की कार आपको मिल जाएगी, मतलब महंगी से महंगी चाहिए या सस्ती से सस्ती चाहिए, 1,000 रियाल से भाई 1,00,000 रियाल तक में मिल जाती है रेंट पे कार, यहाँ 500 रियाल तक में भी मिल जाती है इस टाइप की एसेंट कार। देखो लग्जरी सैलून, इसके अंदर बाल कट रहे हैं, देखना कैसे बाल कटते हैं, ऐसे बाल कटते हैं भाई यहाँ पर, देखो बच्चों के ऐसा लग रहा है मुझको, वो पापा खड़े हैं पीछे इन दोनों बेटों के बाल कटवाते हुए, पापा जी वो पापा हैं इनके शायद भाई। यहाँ की लोकल मार्केट आपने देखी, आपको यहाँ पर कारें ही दिखाई देंगी लोकल मार्केट में भी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग कार ही यूज़ करते हैं आने में जाने में और घूमने में, तो इसलिए यहाँ पर आपको पार्किंग में सिर्फ कारें ही नज़र आएंगी चारों तरफ। लोकल मार्केट के लिए दुकानें इस टाइप से होती हैं, देखिए जैसे अपने यहाँ भी होती हैं, दोनों तरफ दुकानें इसी टाइप से हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम इस टाइप का मिलेगा, यानी फ्रेश चिकन जैसे यह है ना, आप इसमें से बच्चा लो कोई भी और उसकी उसको कटवा लो, वरना तो ज़्यादातर यहाँ पर फ्रिज के अंदर ही मिलता है चिकन, ताज़ा चिकन यहाँ नहीं मिल पाता।
तो अभी रात का टाइम हो चुका है थोड़ा, ये देखिए थोड़ी मार्केट में कारें और गाड़ियाँ ज़्यादा आने लगी, क्योंकि गर्मी होती है दिन में, रात में जब गर्मी कम हो जाती है तो कारें आना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी लोग अपने घरों से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बाहर। हाँ तो दोस्तों, ये आपको लोकल एरिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाते रहेंगे। हवा हो गई है तेज़, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। ओके बाय, टेक केयर एंड सुवी ड्रीम्स।